अदाकारी का पहला उसूल है मुंह बंद रख के ऑब्जर्व करना. क्या तुम बोल रही हो? मैंने आपसे दो नजारा बना लिया भाई. हम सिर्फ दो ट्रिप में ब्लड देते हैं. मैं दो दो चम्मच के छोटे छोटे एंटी डॉट बनवाना चाहता हूँ नॉन एक्ट्रेस के लिए. Our beloved Sania Saeed. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Janab. What a beautiful color. You look so nice. Thank you so much. खूबसूरत साड़ी. हाँ, आज मैंने सोचा तुम्हारे शो में थोड़ी तैयार हो के जाओ. अब मैं रिसेंटली मुझे ही दौरा पड़ा, मैं तैयार होना शुरू कर रही हूं. Why not? हाँ. क्यों नहीं? I have time now. I didn't have time. तो ये अब वक्त क्यों है इतना? I think काम मैं कम करती हूँ ना, like television. Serials take up a lot of time. और क्या वजह है कि क्यों कम क्यों करना है? कहानियाँ और जो हम लोग के एज ब्रैकेट के कैरेक्टर्स हैं. जबकि जिस एज ब्रैकेट की बात हो रही है अब जब तो काम शुरू करना होता है. हालांकि अब तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आना शुरू हुआ है. लेकिन मर्दों के साथ तो नहीं हो रहा है? एक्चुअली अगर देखो तो ज्यादातर मर्दों के साथ भी हो रहा है. इट्स ओनली फ्यू. मेरी शायद जनरेशन के एक्टर्स की बात कर रहे हो. मतलब इतने सारे प्लेज में से कितने प्लेज हैं? फैसल है. फैसल तो ले सकता हूँ. हुमायूं. Humayun. Oh, but Humayun is not playing Humayun. The age. I पता नहीं क्यों बेचारे को हमेशा मुझे हमेशा उसका एग्जांपल क्यों देते हैं सईद होने की वजह से. जब सुनते हैं ना तो वो बहुत क्यूट सी एक स्माइल देता है. हाँ. तो कहता है यार यही तो मजा है. हाँ. बोलो तो. हाँ. He मुझे पता नहीं क्यों उसका एग्जांपल. अच्छा आप नहीं पता अदनान की फैसल कुरैशी. हाँ. In a way, मैं भी एहसन. हाँ. हम सब तो करे. हाँ. जा रहे हैं करे. हाँ. जा रहे हैं. लेकिन ये है ना. अच्छा, क्योंकि दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ आपका माशरा कैसे देखता है खवातीन को इन जनरल लाइफ में भी. देखो ना 40 के बाद जैसे ये औरतें बस फारिग खवातीन. बगैर पूरा स्क्रिप्ट पढ़े आप हाँ नहीं करती? अगर बहुत मजबूरी ना हो तो नहीं. कितने फीसद स्क्रिप्ट आपके सामने होना चाहिए? 60% तो होना चाहिए. 60% तब भी उस 40% में बड़ी गड़बड़ हो जाती है. फिर ना वैसे तो 60% बजट का पता होना चाहिए. अब तो ऐसा भी है कि वो स्क्रिप्ट और एक्टिंग तो कर ही लेंगे. ऐसा भी है नहीं मेरे. अच्छा मैं इतने चुनिंदा लोगों के साथ काम करती हूँ कि यू नो मतलब मैं गिन सकती हूँ उंगलियों पे मैंने किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने. करोड़ों रुपया मेरा लगा है. तुम लोग खामो. अरे सुन सा दो, तुम लोगों की पेंटिंग बन रही है क्या? बिस्तर भी यहीं लगवा दूं मैं. शो शुरू क्यों नहीं कर रहा? अब वो लीडर का है तुम्हारा है? मेरे पैसों की हाई प्रोटीन डाइट कर करके है मुझे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बनवा दिया तुमने. शो क्यों नहीं करे भाई? सर शो कर रहा हूँ. ये उंगली इधर करके बात करो, मुझसे बात कर रहे हो? अली साहब शो कर रहा हूँ मैं. शो हार्ट अटैक हो जाएगा. हार्ट अटैक हो जाएगा. इजी इजी सांस ले जी. ओए भाई आप ये हैं, आप वो हैं, आप दोनों हैं, आप क्या हैं? और ये कि यू आर द बेस्ट डायरेक्टर, यू आर द बेस्ट एक्टर, यू आर द बेस्ट राइटर, यू आर द बेस्ट होस्ट. बगले अगली फिल्म मेरे ही पैसों से बर्बाद कीजिएगा. और क्या करें? पता है कि मीम मुस्तर का है आप दोनों का, लेकिन बाहर बहुत सारे मीम्स बन जाएंगे. क्या कहलवाना चाहते हो मुझसे? नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल नहीं कहलाना चाह रहा. मैं आपका तारुफ कराना चाह रहा हूँ. पहले प्लीज पिंच में ही. अरे ये तो पिंच भी इतना स्वीट कर रही है कि पता ही नहीं चल रहा. अरे भैया असली वाला प्लीज पिंच मी. ओह माय गॉड. अर्ज किया है लो दिख गया है चांद, आज हो गई है ईद. सालों की अदाकारी न कोई कर सका तनकीद. वाह. हर किरदार बेमिसाल, ऑडियंस हुई मुरीद. थैंक यू मोहित भाई आपकी वजह से. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सानिया सईद. इतनी खुशी. मैं तारुफ करा दूं आपको. सानिया जी सामने बैठे हैं, एक उभरता हुआ फनकार सामने खड़ा है. फनकार खड़ा है तो उसको एक सिचुएशन दे दे. मैं तो सुनया कि पंजाबी भी बहुत चंगी बोलते हैं. मुझे पता चला कि पंजाबी बड़ी पसंद भी करते हैं, तो क्यों ना
हमें एक मेरे मरने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करा दे भैया। मुझे समझ में ये आया कि पंजाबी में सीन करना चाहते हैं और मैं सिचुएशन दे दूं आपको। हाय हाय मेरी पंजाबी तो बड़ी कमजोर है। तो कह रही कमजोर आपकी पंजाबी की तरफ कौन देखेगा, जैसे मेरी सेहत की तरफ कोई ना देखे। हमारी कमजोरियों को छुपा दो और हमारी उजाला करो, उजागर करो हमारी अच्छाइयों को। असल में तो फिल्म एक्टर अदाकार बनना चाहते थे लेकिन अभी वो प्रोड्यूसर हैं फिलहाल। कुछ ना कुछ देख के अच्छा प्रोजेक्ट अपने आप को भी कास्ट करना चाहते हैं, तो वो एक ऑडिशन सा है अगर आपकी इजाजत हो। जी जी। तो चूंकि आप फिल्मबदी बोल लेती हैं तो हम चाहेंगे कि सर खुदा दा वास्ता इनकार ना करना, मैंने इनको होस्टिंग से निकाल देना। नहीं 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 नहीं, हमारी नौकरी मुझे बचानी होगी मोहित। प्लीज मेरी नौकरी बचा ले। तो मैं क्या वहां चली जाऊं? अरे फूल भी नहीं बिछाए, दिए भी नहीं जलाए, खुशबू भी नहीं कराई, चिरागा भी नहीं कराया। मेरी गाल सुन, हौली हो जा, बस हो गई। मैं सिचुएशन ये है कि चांद रात है और आपका चूड़ियों का एक स्टॉल है और वो चूड़ियां खरीदने आई हैं, अब बाकी आप संभाल लें। चूड़ियां पे चूड़ियां, आप वाले चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां। आजो जी आजो, आजो बाजी तुसी भी आजो, आजो मैं तुसी खाली आजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाल रंग की चूड़ियां हैं। सिद्धा ही लाल रंग दिया चूड़ियां बनती है, प्लाट निकाल के रेड कर तू। किथे रखी छोटे, चल। तुसी थक नहीं जानते इन्हीं ओवर एक्टिंग कार करके? ये मैंने मौका देन ते मैं क्यों तो बाद डायलॉग दे। मैं ना थकना वा ना अकना वा, मैंने मौका ही बड़ा काट लगता है। चूड़ियां नहीं हथकड़ियां, कच्चे हो अपने काम च, तुसी परफेक्ट नहीं हो। इस साइज छोटा है, वेखो ए वेखे, छोट दियो मेनू, साड़ दियो मेनू, पका दियो किसी तरह। ए वेखे सोंदा ले आ भी तू, मेनू सोने सही ते मारता यार। अल्लाह बहुत ही हो गया वो। आई 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 आज की तारीख गोल्डन क्लब से लगवाई हो। भैया 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 आ गया मैं, भैया मैं आ गया, सारी चीजें लगे जो आपने मगर भैया सानिया सही हमारे शो में जी। भाई आई लव यू यार, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, बात यह कि इतने दिन से इंतजार आज खत्म हो गया और आज सानिया सही हमारे सेट पे, मतलब माशाल्लाह आज तो हमारे ख्वाब पूरे हो गए। ये क्या बन के घूम रहे हो भाई? भाई मैं सब कुछ भूल गया, मैं क्या बन के घूम रहा हूँ, अब तो मैं बस एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये आ गई, ये सिखाएंगे मुझे एक्टर बनना। मोहित मिर्जा जी, जरा भाई का तारुफ तो करवा। ये आप देख तो इनको लैब कोट में रही हैं और ये हाथ में पता नहीं क्या डिस्पेंसरी टाइप माहौल बने हुए। ये जो आए थे इससे पहले अली सिकंदर, हाँ। वो प्रोड्यूसर जो थे, हाँ। ये उनके बड़े भाई हैं और मैं इनका भी मुलाजिम हूँ। वैसे आपके लिए ना आपकी तारीफ तो बनती, इतनी तारीफ है माशाल्लाह दुनिया कर दी है। मैं इधर से जी जी शाह, खूबसूरत आंखें, प्यारा सा चेहरा, मीठे मीठे अल्फाज और खूब है इनका इखलाक, ये तो होगी इनकी तारीफ। अब थोड़ी सी यार मेरी सब मेरी आंखों की तारीफ करें जो कभी किसी को नजर नहीं आती है एक्चुअली, बस नहीं जाती। आप हमारी आंखों से देखें ना, दिल से आंखों से दिमाग से सिर्फ आप ही आप नजर आते हैं। जब आप टीवी पे आती है ना कोई नजर नहीं आता, क्योंकि आपकी जो एक्टिंग है ना बंदा उसमें खो जाता है। मैं खाना छोड़ देता हूँ, रोना छोड़ देता हूँ, सोना छोड़ देता हूँ, बल्कि जीना छोड़ देता हूँ। ज्यादा नहीं हो गई है? समझा करो, अगली फिल्म साइन करवानी है। अच्छा अच्छा। भाई मुझे बिल्कुल इनकी हालत का जिम्मेदार ना ठहराया जाए। मेरी एक ख्वाहिश है, मैंने आपकी इतनी तारीफ की है जी, थोड़ी सी मेरी करते थोड़ी क्यों, बहुत सारी करती मैं, बस मेरे हिसाब से इतनी बनती कर दो भाई। इस एनर्जी लेवल का एक्टर तो कोई एक का ही है शायद, है ना? हाँ ये देखिए आपकी तबीयत में इतनी मुखलिसी है, इतनी आजिजी है, जिस तरह आपने मेरी तारीफ की उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। आप यकीन करें मैं अमर हो जाऊंगा इन सारी चीजों में। उन्होंने ओवर नहीं कहा, सब कुछ ओवर है। नहीं ओवर तो मैं बैटिंग करते हुए करवाता हूँ। अरे दोनों आग, अब दोनों आई।
पापा को बहुत पहले तुम्हें आग कर देना चाहिए। मैंने आपको किस काम भेजा था भाई? खून, खून है? खून किसका करता है खून भाई? हुकुम करो, थाने नहीं आएगी, किसी का भी खून कर दूंगा आज मैं, बोलो हुकुम करो। अरे जज्बात के देवे, अतिया 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 का नाम लेना भाई, अतिया का नाम लेना। मुझे होटल लेके गई और होटल में खाना खा के चली गई। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पूरी रात बर्तन धोए सानिया जी, छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े बर्तन कैसे मांज होंगे। सानिया जी, एक्चुअली मैंने इसलिए भेजा था कि आपका ब्लड लेकर आए। हमें सिर्फ दो ड्रिप में ब्लड देते हैं। Okay. मैं दो दो चम्मच के छोटे छोटे एंटी डॉट बनवाना चाहता हूँ नॉन एक्ट्रेस के लिए। हजारों लाखों का भला हो जाएगा, एक कबीला बन जाएगा अच्छे अदाकारों का, वो छोटी छोटी ड्रिप पूरे बड़ा बड़ा फनकार बना देगी। आप यकीन करें, आप यकीन करें, मैंने बचपन में पोलियो के कतरे नहीं पिए, मैं आपके खून के कतरे पी के एक्टर बन जाऊंगा बड़ा, और मेरे खून के कतरे पी के वैम्पायर बन जाएंगे। बेटा अगर ऐसा होता तो हम सब ड्रैकुला के बच्चे होते। लेकिन सानिया जी, मेरे साइंटिस्ट कई सालों से बैठे हुए हैं, आप हमें आज मिली हैं, खून तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आज के इस खूबसूरत मौके से फायदा उठाया जाए, और तुम कब हमारे काम आओगे भैया? बताइए। जैसे कि अदाकारी का पहला उसूल है मुंह बंद रख के ऑब्जर्व करना, बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको इसकी। भाई मेरी दिहाड़ी तो सही है, तुम्हारी दिहाड़ी गई। अब ऑब्जर्व कर। मैं एक्टर बन गया भैया, अरे मैं एक्टर बन गया भैया, एक्टर। मुंह बंद रख लेंगे तो डायलॉग कैसे बोलेंगे? जैसे दिल में सोचते हैं। एक्टर डायलॉग का मोहताज नहीं होता, लेकिन हम तो नॉन एक्टर है ना, हमें तो डायलॉग दें। नहीं मतलब आप चाह रहे हैं कि हम चार्ली वाली एक्टिंग करें? नहीं माइम करें। नहीं नहीं, मैं दे देता हूं, मैं दे देता हूं। सिचुएशन ये है कि आप दोनों का आपस में हुआ हुआ है फड्डा, और जज हमारी मौजूद है, और लड़ाई हुई भी है आपकी, और हम डायरेक्ट शुरू करेंगे लड़ाई से। और आप लोगों की लड़ाई इस बात पर हुई है कि अब किसकी तरफ ज्यादा प्रॉपर्टी जाएगी, अब आप कैसे एक दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे वो दिखाएं। और आपने कुछ बोलना नहीं है? हाँ, बगैर बोले। मुझे लगता है मुझे लग रहा है गुटका खा के हो रहा है। लो, वो तो राजी हो गए दोनों। भाई एक मिनट, मेरा नाला खुल गया पीछे। आप बड़े एक्टर बन ही नहीं सकते, ये हार गया, ये बोल पड़ा। चलो भाई, जस्ट वो हैं, बताएंगे। भाई मेरा ख्याल ये है कि दोनों को ग्लूकोज की कमी की जरूरत, कमी की जरूरत। थोड़ा थोड़ा खून आप दे जाए, हमारे साइंटिस्ट करेंगे उस पे एक्सपेरिमेंट। मैं भाई मार दूं। अरे कोई देखिए, वो होता है ना कि एक एक्टर एक जुमला और बहुत सारी वैरायटियां। बहुत जोर से एक्टिंग आई हुई है। क्या तुम वो नहीं हो? मैं वो नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। आपने बोलना है क्या तुम वो नहीं हो? अच्छा, मैंने बोलना है कि नहीं। क्या तुम वो नहीं हो? मैं बोल तो रहा हूँ कि तुम वो नहीं हो। हैरत से बोलना है। क्या तुम वो नहीं हो? क्या तुम वो नहीं हो? गुड, खुशी से बोलना है। क्या तुम वो नहीं हो? क्या खुशी थोड़ी ज्यादा होगी, सॉरी भाई, मेरी खुशी भी है। क्या तुम वो नहीं हो? भाई आप, मैंने आपसे दो रन नारा बना लिया भाई, गुस्से से। क्या तुम वो नहीं हो? क्या तुम वो नहीं हो? हाँ, वेरी गुड। कॉपी मत करो मुझे। कॉपी क्यों नहीं करूं? मैं रजिस्टर कर रहा हूँ भाई। रजिस्टर क्या कर रहे हो? एक अलग 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 बोला है, अलग अलग बोला है। ये बात आप तजस्सुस से कैसे बोलेंगे? तजस्सुस, इसके कोई और मायने नहीं हो सकते? तजस्सुस को क्या कहेंगे? तजस्सुस को कहेंगे आप, आसान बताएं भाई, खोजते हुए, खोजते हुए। हाँ, तजस्स क्या कहता है वो? तुमको नहीं हो देखा क्या?
अच्छा नॉट बैड नॉट बैड. इस वक्त ये पलड़ा जरा भारी चल रहा है. मेरे भाई को मरवाने के लिए कातिल छोड़ दो. आपके लिए खून दे के आए. वैसे आप लोग खून देते हैं? नहीं, ये अभी तो लहू पी रहे हैं. मैं मच्छरों को डेली खून देता हूँ क्योंकि वो मेरी सुनते ही नहीं आते, खून लेते चले जाते. नहीं, लेकिन मैं सीरियस हूँ. क्या आप खून डोनेट करते हैं? आप अगर बिल्कुल हेल्थी हैं, सेहतमंद हैं, तो आपको साल में 2 दफा कम से कम जरूर खून डोनेट नहीं है चाहिए. चलो भाई, तुम्हारा खून दिलवा के. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बात तो अच्छी है. मैंने कहीं पढ़ा भी था और इन्होंने तो आज उस पे स्टैंप लगा दी. लेकिन उन्होंने खून की डोनेशन की बात की, लहू पीने की बात. लहू पीने की बात, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, हमारा खून तो वही पी लेते हैं, बचता ही नहीं है कुछ. गलत फहमी है आपको, बहुत खून है आपके अंदर. है देखो भाई, जुगतों में मैंने अंदाजा लगाया कि वो भी बहुत पक्की है, इसलिए भाई सने जी आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू ब्रो. खवातीन हजरात, ये था मेरा आज का शो द नॉक नॉक शो. हम मिलेंगे अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह. खुदा हाफिज़.